बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सालार खान के YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करें, और क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है जी। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज़ एरर। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ जी। तो एरर क्या है, क्या आपको पता नहीं है कि एरर क्या है जी? बिल्कुल पता है, एरर का मतलब है गलती। तो क्या इधर मैं उर्दू में लिखूँ यार? मैं बहुत अरसा हो गया यार उर्दू में लिखा ही नहीं कि चले बस ठीक है। गलती, एरर क्या है? गलती है ना जी, बिल्कुल गलती है। आपकी बुक उसको क्या कह रही है? द डाउट इन द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। शक भी हो सकता है। किस तरह होता है तो ये वीडियो आप देखें तो आपको मैं समझाता हूँ जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। या पहले मैं डेफिनेशन लिखूँ बुक से, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बुक से, बाकी फिर बात की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक की पेज नंबर ये जो है क्या 10 पर डेफिनेशन है, एयर इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। तो लिख के जरा, द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट व्हाट? अबाउट द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। आपने कोई मेजरमेंट की, उसमें आपको कोई शक है, मैंने शुरू में कहा कोई गलती है, वो एरर है। किस तरह है समझते हैं जी। मैं इसको एक और डेफिनेशन देता हूं, पिछले बुक में थी क्या, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको भी एरर कहते हैं। अब मेजर्ड वैल्यू क्या होता है वो तो समझ आ गई, जो अभी मैंने मेजर किया वो है मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो फॉर इंस्टेंस ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, इसके ऊपर लिख का आता है कंपनी से कि दिस इज 10 ग्राम्स, इट्स मास इज 10 ग्राम्स। तो ये 10 ग्राम्स इस मार्कर की मास की एक्चुअल वैल्यू है, और जो मैं अभी इसको एक मेजरिंग डिवाइस पर रखता हूं, इसका मास मेजर करता हूं, तो वो इसकी मेजर्ड वैल्यू आएगी। तो लेट सपोज कंपनी ने इसके ऊपर 20 ग्राम लिखा, मेरे पास आया 21 ग्राम, तो 21 माइनस 20 वो 1 ग्राम मेरे पास एरर आया। सिमिलरली कम भी आ सकता है, इसके ऊपर 20 लिखा हुआ है, मेरे पास आया 19 ग्राम्स, तो ये क्या होता है जी, 1 यूनिट का एरर है, ठीक है। ये हुई एक्चुअल वैल्यू। करंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? फॉर इंस्टेंस आपने मैथमेटिकल अपनी कैलकुलेशंस की, उसके साथ फॉर्मूलाज वगैरह, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट्स लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आईआर, आपने करंट मालूम किया मैथमेटिकली, दैट इज योर एक्चुअल वैल्यू, दैट इज योर रेटेड वैल्यू, दैट इज योर मार्क्ड वैल्यू। और फिर आपने वायर के साथ क्लैंप मीटर लगाया, आपने सर्किट में एम मीटर लगाया, करंट मालूम किया, यू गेट इज What that is a measured value. समझ आई। अब मेरा मास है तो इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? measured value तो चले मैं अभी आपके सामने इधर वेट मशीन पे खड़ा होता हूं, measured value है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? तो ऐसी कंडीशन में द मोर प्रिसाइस मेजरमेंट इज मार्क्ड एज द मार्क्ड वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। For instance, 80 point, साइड पे लिखता हूं जी, 80.00 kg। तो देखिए, दिस इज अ मोर प्रिसाइज, ये आपको दो डेसिमल प्लेस भी बता रहा है, दिस इज दिस अबाउट दिस मास। लेकिन अगर मैं एक और इंस्ट्रूमेंट के साथ फिर मैं मेजर करता हूं और उससे आता है 81 केजी या सिंपली 80 केजी, तो देखिए दिस इज वेरी लेस प्रिसाइज, क्योंकि दिस इज गोइंग टू नो डेसिमल प्लेस, बट दैट वन वाज गोइंग टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, सो यू मार्क द मोर प्रिसाइज वन एज व्हाट? एज द एक्चुअल वैल्यू, एज द रेटेड वैल्यू, एज द मार्क्ड वैल्यू, एंड द लेस प्रिसाइज एज व्हाट? एज यूर मेजर्ड वैल्यू। ये दोनों आपने खुद अभी अपने हाथ से मेजर की, आपको कोई कंपनी से
नहीं लिख कर आया हुआ, आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे मास के लिए नहीं की, एक के लिए आपने एक ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, एक के लिए कम, ज्यादा वाले को एक्चुअल, कम वाले को मैं। समझ आई? बिल्कुल आई। तो जब आप डिफरेंस लेते हैं मेजर्ड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का, तो इसको आप क्या कहते हैं जी? इसको आप एरर कहते हैं। अब बाज लोग इसको कंफ्यूज करते हैं जी। फॉर इंस्टेंस, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 है और मेजर्ड वैल्यू 102 है, तो एरर ठीक है जी 2 यूनिट्स का आ गया, जो भी है, किलोग्राम में सेकंड है, जो भी है जी। लेकिन अगर आपका एक्चुअल वैल्यू 102 है, मेजर्ड वैल्यू 100 है, तो क्या आपका एरर नेगेटिव 2 है? नहीं है जी। एरर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरर इज अ मैग्नीट्यूड। We have nothing to do with the sign of the error. We don't need the direction of the error. Negative error, negative तो आपको सिर्फ direction देता है ना जी। अब बाद में आप कहेंगे negative zero error जो होता है, तो वो तो इसका मतलब भी नहीं है यार, वो तो सिर्फ आपकी स्केल जो डिफ्लेक्शन होगी, अगली वीडियो में आप देख लेंगे negative zero error क्या होता है, ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब error क्या है जी? Error is what? This is a scalar quantity. This is a magnitude. तो इसका मतलब हम इसको एक पॉजिटिव वैल्यू ही कहेंगे जी। तो वो जो नेगेटिव 2 यूनिट्स का एरर आया, उसका क्या मतलब था? तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इधर एक लफ्ज लगाते हैं जी, द एब्सोल्यूट डिफरेंस, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द मेजर वैल्यू, जिसका मतलब एक एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई करें, तो अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट फंक्शन तो जानते हैं ना आप, जो है तो मैट्रिक लेवल पर आप कहते हैं बस एब्सोल्यूट किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो जो भी है। लेकिन इधर आप में से सर जीशान मुगल के स्टूडेंट्स बैठे होंगे जी, एब्सोल्यूट फंक्शन, फंक्शंस के तो वो बादशाह है ना जी। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, एब्सोल्यूट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन स्टेट्स व्हाट? दैट दिस वुड बी इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दिस वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एंड दिस वुड बी इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखे इसको एक पॉजिटिव नंबर दे एब्सोल्यूट को, इसका मतलब 5 अगर मैं देता हूं, तो 5 का एब्सोल्यूट देंगे तो x इज इक्वल टू x फॉर ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव ऑफ x देते हैं तो नेगेटिव 5 अगर मैं देता हूं उसका एब्सोल्यूट, तो देखे एब्सोल्यूट ऑफ दिस वुड बी व्हाट? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5 पॉजिटिव 5 आएगा। इसके बेस पर आप कहते हैं कि द एब्सोल्यूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, और 0 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। अब आप इस डेफिनेशन को आप चाहे जिस तरह भी लिखे, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस ये सिंपल सी बात थी जी, ये सिंपल सी बात थी। थोड़ी सी एक और बात मैं इधर करना चाहता हूं, ये पता नहीं हमारे टीचर्स एरर और अनसर्टेनिटी में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं जी, नहीं करनी चाहिए, ज्यादा न्यूमेरिकली इसको डील करते हैं, इधर उधर इस तरह करते हैं, नहीं करना चाहिए। एंट्री टेस्ट में भी आपसे इससे सवाल नहीं आता जी, अगर आता भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, लेकिन इस तरह के नहीं आते जिस तरह के हमारे टीचर्स इधर पढ़ाते हैं। सिंपल, आपकी बुक ने सिर्फ इसको डिफाइन किया हुआ जी, द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। उन्होंने कुछ लीस्ट काउंट की बात नहीं की हुई, कोई पॉइंटर पोजिशन की बात नहीं की हुई। लेकिन चले, थोड़ा सा वीडियो को तो लंबा करना होता है ना जी, तो हम भी करते हैं जी थोड़ा सा। फॉर इंस्टेंस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेट से ये एक मीटर रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूँ जी, जो आती है इस पोजीशन तक 0.6 पे पड़ा हुआ है जी। आपको नजर आ रहा है 0.6 पे पड़ा हुआ है? बिल्कुल नजर आ रहा। अगर मैं थोड़ा सा इधर से देखूं तो उधर नजर आता है, इधर से देखूं उधर नजर आता है, इसको पैरेलेक्स एरर कहते हैं, अगली वीडियो में बता देंगे आपको। लेकिन 0.6 पर तो अभी ये नजर आ रहा है, ठीक है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी इसको इधर हो, थोड़ा सा भी, तो आप इसको फिर भी 0.6 लिखेंगे, क्योंकि आप सेकंड डेसिमल प्लेस पर नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस डिवाइस। ये जो रूलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज ओनली लिमिटेड टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप इसको 0.62 नहीं लिख सकते,
बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डिवाइस. तो आप क्या करते हैं जी, तो मैं इधर बताता हूं आपको कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. तो इधर एक गलती की हम निशानदेही करेंगे. मैं इसको 0.6 लिखूंगा, लेकिन उस 0.6 में गलती होगी. कितनी होगी? तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल की बात करता हूं. द मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजिशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ लीस्ट काउंट. और इससे पहले मुझे लीस्ट काउंट को तो डिफाइन करना चाहिए था. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? वो सबसे छोटी वैल्यू जो वो रीड कर सके, या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल द और द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ व्हाट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. जिसका मतलब रूलर, मेजरिंग टेप, मेजरिंग रॉड, क्या है जी सबसे कम कितना मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर है कि नहीं है? बिल्कुल है. उसका सबसे कम डिवीजन, सबसे छोटा डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर है कि नहीं है? बिल्कुल है. वो सेंटीमीटर में वो स्केल होता है जी, लेकिन वो सेंटीमीटर स्केल डिवाइडेड होता है इंटू 10 इक्वल पार्ट्स. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर. साइंटिफिक नोटेशन में देखे जी, 0.1 × 10⁻². मीटर्स देखे, 1 × 10⁻³ meters. 1 मिलीमीटर है कि नहीं है? डेसिमल पॉइंट को आगे लाया, डेसिमल पावर ऑफ 3 को पीछे लेके जाऊंगा कि नहीं? 1 मिलीमीटर आया कि नहीं? बिल्कुल आया. ये रूलर का है जी. वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर है, और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर है. मजीद भी डिवाइसेस हो सकती है. तो देखे इधर, क्या मुझे शक कितने में है जी? हाफ ऑफ द डिवीजन में है कि नहीं है? हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट में है कि नहीं है? बिल्कुल है. तो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंटर पोजीशन. पॉइंटर पोजीशन क्या है? जहां से मैं रीडिंग ले रहा हूं, फाइनल रीडिंग जहां से ले रहा हूं. तो क्या वो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट है कि नहीं है? बिल्कुल है. अब अगर मैंने इसका सरा एग्जैक्टली 0 पर रखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता? गलती की वजह से, या गलती की गुंजाइश तो है, बिल्कुल है. शक तो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा इस साइड पे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो क्या वो हाफ ऑफ लिस्ट काउंट एरर इधर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब मेरा पॉइंटर पोजीशन ये नहीं है, फाइनल रीडिंग मैं इधर से नहीं ले रहा, फाइनल रीडिंग मैं इधर से ले रहा हूं. सो पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन इज हाफ ऑफ लिस्ट काउंट. लेकिन अगर ओवरऑल रीडिंग में मैं बात करूं, ओवरऑल डिवाइस में मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज व्हाट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब इसका तो आपको समझ आ गई होगी जी, किस तरह. अब देखे ना, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट का एरर एक एंड पे, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट का एरर दूसरे एंड पे. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो लीस्ट काउंट के बराबर हो गया. पॉइंटर पोजीशन के रिस्पेक्ट में हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, और विदाउट पॉइंटर पोजीशन इक्वल टू लीस्ट काउंट. समझ आई कि नहीं? बिल्कुल आई. अब एक और टर्म होता है जी, अनसर्टेनिटी. तो वो अनसर्टेनिटी आपको उस एरर का रेंज देता है जी. वो आप अगले वीडियो में नहीं, उससे भी अगले वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में तो टाइप्स ऑफ एरर, उसके बाद आप अनसर्टेनिटी देखेंगे. अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरिंग में डेल्टा ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, विच गिव्स यू द प्लस माइनस रेंज ऑफ द एरर. उसमें कितना एरर हो सकता है? एंड दिस एरर इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट, तो दैट वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. समझ आई. तो बस ये एरर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी. मैंने फिर भी वीडियो को जरा खींचने की कोशिश की, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो मुझे पसंद नहीं है. समझ आई? आपकी बुक में एक टर्म यूज हुई है जी, रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट एन
इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट दैट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए जी। इधर मैं कभी कभी डिवाइस का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो इधर जरा अप्रोप्रिएट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। क्या मतलब, अगर आपके पास एक थर्मामीटर है तो वो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है कि नहीं, तो वो कम से कम टेम्परेचर जो थर्मामीटर मेजर कर सकता है वो उसकी रेजोल्यूशन है। फॉर इंस्टेंस 0.00001 डिग्री का चेंज आया और आपके टेम्परेचर में आपके थर्मामीटर ने वो डिटेक्ट किया, आपको बताया कि इतना चेंज आए, तो उसकी रेजोल्यूशन इतनी है। अगर कोई मास वेजरिंग डिवाइस है, मास में सबसे कम जो वो मेजर कर सकता है वो 1 किलोग्राम है, अगर 0.5 किलोग्राम का चेंज मास में आएगा वो आपको नहीं बताएगा। अगर आपने 2 किलोग्राम से 2.5 किया वो वही 2 पे रहेगा, लेकिन अगर आपने 3 किया, इसका मतलब 1 किलोग्राम को उसने डिटेक्ट कर दिया, तो वो 3 किलोग्राम आपको शो करेगा। इसका मतलब दैट 1 किलोग्राम इज द मिनिमम विच इट कैन डिटेक्ट, सो दैट 1 किलोग्राम इज द रेजोल्यूशन ऑफ दैट डिवाइस। एक और वर्ड होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ डिवाइस। होमवर्क है जी, किताब में नहीं है आपका, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है आपको पता हो, रेजोल्यूशन से ही रिलेटेड है, खुद सर्च करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरे ख्याल में यही पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। एरर क्या है, गलती है जी, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। टाइप्स अगली वीडियो में देख लेंगे, पर्सनल एरर है, रैंडम एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, जो भी है जी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।